देखिए चुनाव नजदीक हैं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपनी मर्जी का चुनाव कमीशन बनाया, वो ये शुरुआत करेंगे कि सभी स्टेट्स और उपचुनाव के जितने भी चुनाव हों वो एक साथ हों। लेकिन हम जो बार बार कहते हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क है, वो करते कुछ है करते कुछ है। मैं समझता हूं कि वो साहस नहीं जुटा सके, और अभी जो हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर किए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अभी चुनाव नहीं हो, आगे किसके हैं, क्योंकि उनकी हालत पतली है। पूरे देश में प्रदेशों में जो माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के खिलाफ बना हुआ है। फिर भी हमें संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमने कवायद शुरू की है। हमने कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, चार चार पांच पांच लोगों की एक कमेटी बनाई थी जो इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के संगठन को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसका पुनर्गठन करना है, कहां पर कोई नाम और ऐड करने हो, विस्तार करने हो तो वो हम लोग करें, बूथ लेवल से लेकर के मंडल की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, प्रकोष्ठों में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को समायोजित करके उनको जिम्मेदारी देनी है, इस दिशा में हमारी कमेटियां गई थी और वो रिपोर्ट लेकर के आई है। और इससे पहले हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पीसीसी और पदाधिकारी सेक्रेटरी वगैरह से हमने जो संगठन अब तक बना हुआ है मंडल से लेकर के जिले तक, उसमें सक्रिय और निष्क्रिय लोगों की सूची भी हमने प्राप्त की थी। कुछ अनुशासन समिति की रिपोर्ट भी के लिए भी आई हुई थी, तो उसमें भी एक बैठक उन्होंने, आंजना साहब ने की है। तो ये सारा संगठन को ठीक करने के लिए अनुशासन में रह करके लोग काम करें, और कैसे हम संगठन को और मजबूती के साथ में आगे लाएं, और सब मिलकर के फिर उपचुनाव हम लोग 6 जो उपचुनाव हैं वो कैसे जीतें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमने देवली उनियारा के करीब 60 के लगभग जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो आए थे, एमपी साहब भी आए थे, हरीश मीणा जी भी, उनके साथ जिला अध्यक्ष जी के साथ चर्चा की है। अभी हम हिंसर के अंदर चर्चा करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, और कल हम दोसा और झुंझुनू के पदाधिकारियों से और नेताओं से चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग 3 या 4 तारीख के लगभग हम कार्यक्रम बना रहे हैं, टेंटेटिव कार्यक्रम है कि हम लोग वहाँ उदयपुर में जाकर के 84 और सलूम्बर के उपचुनाव की भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। लबोलबा हमारा जो आज का कार्यक्रम रहा उसमें सभी लोगों से हमने प्रस्ताव लिए हैं, और उनसे चर्चा में उनको भाग लेने का मौका दिया कि आप बताइए किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति काम में लेनी है, और आप क्या महसूस करते हैं फील्ड के ऊपर। तो वहाँ पर जो हमारा जो मंडल, ब्लॉक और जिले की कार्यकारिणी जहाँ नहीं बनी हुई है या किन्हीं कारणों से हमें भंग करना पड़ा, तो वो हमने जो भंग कर दिए उसका पुनर्गठन के लिए जिला टोंक और देवली और उनियारा के दोनों ब्लॉक मंडल अध्यक्ष, वो 7 दिन का हमने समय दिया है कि 7 दिन के अंदर तमाम कार्यकारिणी को हम लोग बना लेंगे, और 20% जो हमने 70 का जिले का और जो 50 का ब्लॉक का किया था उसमें 20% अधिक पदाधिकारी बनाने का भी हमने निर्णय ले रखा था, उसी की पालना में उनको निर्देश दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष जाकर के वहां पर मंडल स्तर के ऊपर बैठक लेंगे, और मंडल के पदाधिकारी ब्लॉक लेवल के ऊपर जाकर के मीटिंग लेंगे। हमारे अग्रिम संगठनों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, वो भी अपनी टीम के साथ जाकर के वहाँ अपने अपने जो विंग है उसके अंदर यूथ कांग्रेस, NSUI और सेवा दल और महिला कांग्रेस, वो भी वहाँ पर मीटिंग लेंगे, और हम लोग बड़े पूरी उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पर 101% चुनाव लोकसभा का जीतेंगे,
संगठन पूरी तरीके से सक्रिय होगा। और फिर उसके बाद में हमने एक तय किया था कि हम जिले के अंदर झुंझुनू और ये जो चारों पांचों जो हमारे उपचुनाव हुए थे उन जिलों में प्रथमतया हम शुरुआत करेंगे कि वहां पर जिला लेवल का जाकर के और स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम एक साथ, स्वागत एमपी का जनता ने बनाया और जनता का धन्यवाद हम सब लोग जाकर के तमाम नेता वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे वो जाकर के कि भाई आपने इस तरीके से अच्छा काम किया और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। और हम लोग इन मीटिंगों के माध्यम से इस सरकार की जो राजस्थान की सरकार है उसकी विफलता को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार एक उम्मीद लोगों ने की थी और बहकाव में आ गए थे, आज कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या काम करेगा, क्या निर्णय लेगा, मंत्री क्या निर्णय लेगा नहीं लेगा, ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, अधिकारियों की अदला बदली होगी नहीं होगी, ऐसे मनमर्जी के मंत्रियों के लगेंगे नहीं लगेंगे, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, कार्यकर्ता किसके पास जाएं किसके पास नहीं जाएं, ये जो हालात बने हुए हैं और पूरा का पूरा हर वर्ग त्रस्त है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि ये सरकार चला कौन रहा है, इसमें काम कौन करेगा और कब से ये काम करना शुरुआत करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये सारी की सारी चीजें हम लोग फील्ड में इन कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से भेजने का काम कर रहे हैं।